Okay, this is the slums of Nalasopara. Just check. All the buildings you can see here are load bearing. That means ये building कभी भी टूट सकती है, किसी पे भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है. और government सिर्फ वो time पे रोएगा, न्यूज़ चैनल पे ये सब चलते रहेगा, बट कोई उसको पहले से ही सुधारेगा नहीं कि ये बिल्डिंग इलीगल क्यों है, इतने सारे लोग कहाँ से आए हैं. जस्ट चेक दिस एरिया, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में गैप्स देखो. ओके, होली है इसीलिए बलून्स भी फेंक रहे हैं लोग. ये सारे लोड दे रहे हैं. Happy Holi to everyone. अकेले आने की कोशिश मत करना इस एरिया में, इट इज लिटिल रिस्की. लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते यहाँ पे. पिक पॉकेट्स भी बहुत है. और ये एरिया देख के आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सेफ जोन है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग के बीच में गैप देखो. ये प्रॉपर बिल्डिंग है जिसके गेट है, पार्किंग है, दो बिल्डिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो सब है यहाँ पे. बट मोस्ट ऑफ द नालासोपारा, लाइक यू कैन से 70% ऑफ नालासोपारा इज लोड बेयरिंग. यू विल ओनली सी लोड बेयरिंग बिल्डिंग्स. तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो प्लीज़ आपको बहुत ही सस्ता रेट मिलेगा. मतलब 1 BHK कुछ 500 का एरिया आपको मिलेगा कुछ 7-8-10 लाख में लगभग. ये एरिया थोड़ा अच्छा है. ये बिल्डिंग भी इलीगल बिल्डिंग है. जिस बिल्डिंग हमने पहले देखे और जो मैंने दिखाया है वो इलीगल बिल्डिंग्स हैं. क्राउड के हिसाब से मतलब रेंट भी वहाँ पे 2000-2500 ऐसा रेंट मिलता है वहाँ पे, लाइक 1 room kitchen के लिए. ये रास्ता टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा नालासोपारा. नालासोपारा वेस्ट बल्कि थोड़ा अच्छा है. वहाँ पे भी कुछ लोड बेयरिंग बिल्डिंग है, बट नालासोपारा ईस्ट थोड़ा ना बैड साइड है. रेट्स भी थोड़े कम है यहाँ पे. मगर आपको क्राउड इतना अच्छा नहीं मिलेगा. मगर अगर आपको अपने फैमिली या अपने बच्चों को अगर एक डिसेंट जगह पे रखना है तो आई वुड नॉट रिकमेंड नालासोपारा ईस्ट. नालासोपारा वेस्ट इज़ अ बेस्ट प्लेस. बेस्ट एंड बेस्ट प्लेस है बोलूँ वैसे है, विरार है. नालासोपारा में किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, किसी को एडवाइस भी नहीं करता हूँ. दिस इज द स्टेशन रोड. सामने ही स्टेशन है ऑन माय राइट हैंड साइड. आज फिर भी ये रोड थोड़ा खाली है, थोड़ा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे ट्रैफिक होता है तो बहुत. ओके, ये है मार्केट एरिया. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा बचना है. ये यहाँ पे लोग थोड़े से राउडी है. ये पुलिस स्टेशन है नालासोपारा, तुलिंज पुलिस स्टेशन. और इस तरफ है स्टेशन, रेलवे स्टेशन. और यहाँ से राइट जाएंगे तो आएगा आचोले रोड.
यहाँ पे मार्केटिंग के लिए आ सकते हैं, काफी चीप चीजें मिलती हैं यहाँ पे, मतलब कंपेयर टू वसई और विरार, मतलब यहाँ ये जो शॉप्स है बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, थोड़े चीप होते हैं और मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बट इट इज़ ओके लाइक नो फॉर फंक्शन और वैसे कुछ के लिए तो ठीक ही है कपड़े। सो दैट्स इट, यही मुझे नालासोपारा के बारे में बताना था, स्पेशली लोड बेरिंग एरिया के बारे में, कि इसके बारे में कोई कुछ ज़रूर करिए, क्योंकि कल को ये प्रॉब्लम उनको ही होने वाली है जो रह रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे दूसरे पे, उंगलियां दिखाएंगे कि भाई हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने चेक नहीं किया, मगर रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं होगा उसके लिए। काफ़ी बिल्डिंग्स गिर भी चुके हैं यहाँ पे, आई थिंक ये मेरे लेफ्ट में भी, ये भी लोड बेरिंग ही है शायद, जिस तरह से इसका हालत है, और कोई रह नहीं रहा है फिलहाल वहाँ पे ऊपर। आई थिंक यहाँ पे एक बिल्डिंग गिरी हुई थी अभी, नहीं यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बिल्डिंग यहाँ पे गिरी हुई थी आई नो फॉर श्योर, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो गया था तभी। लोगों को तो निकाल दिया था वहाँ से, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, आई डोंट नो लोड बेरिंग बिल्डिंग शायद नहीं थी वो, आई डोंट नो उसको लोड बेरिंग क्यों बोलते हैं। लोड बेरिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी को पता है लोड बेरिंग एग्जैक्टली क्या होता है तो बता दीजिए, और मेरा माइक का सेटअप भी थोड़ा मैंने चेंज किया है तो बता दीजिए मुझे आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं। ओके